बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को तो फायदा होता ही होता है, लेकिन ये बच्चे पहले छोटी उम्र में, आप देखो मैंने कई ऐसे बच्चे देखे कि जिनकी आप पर्सनैलिटी देखो कि एकदम ऐसी होती है। कराटे और ब्लैक बेल्ट के लिए पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं है, बट वो बच्चा आज ब्लैक बेल्ट ले रहा है, आने वाले दिन में अगर वो बच्चा बड़ी शख्सियत बन के उभरता है तो वो अपनी ज़िंदगी को पहले खुद सरा सकता है और उसकी ज़िंदगी का फायदा हमारी सरकार उठा सकती है, उसको हमारे डिपार्टमेंट में शामिल करके वो तब सामाजिक बनता है और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तब होता है कि जब आप हम जैसे सारे लोग मिलकर इसको प्रोत्साहित करें, इसको सपोर्ट करें। आज का दिन खास करके इसलिए शिवाजी महाराज के लिए नहीं, देखिए कि यादगार चीज़ें तो बहुत पनपती, हमारे पास पनपनी चाहिए, उनमें से ये भी आज की यादगार चीज़ है। आज जिस ढंग से हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो उनके ज़माने में भी स्वयं रक्षा के लिए तलवारें हुआ करती थी, भाले हुआ करते थे, भले उस जमाने में कराटे कप्पू वगैरह नहीं हुआ करता था, पर जिस ढंग से वो लोग भी अपने पैतरे आजमाते थे वो भी पैतरा सेल्फ डिफेंस वाला ही था। आज 21वीं सदी में हम जब जा रहे तो हाईटेक चीज़ें हैं, 21वीं सदी में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी अभी हमारे एक मित्र फिल्म एक्टर है, उनकी एक फिल्म रिलीज के ऊपर है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 2 साल तक अपने आप को कराटे और कुंफू वगैरह जैसी कला में बिजी रखा और आज उनकी फिल्म है रिलीज के ऊपर है। उस फिल्म से वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि कला आर्ट क्या चीज़ है, किस तरीके की, जो सेल्फ डिफेंस में और सामाजिक सुरक्षा में काम आती है, जो देश की सुरक्षा भी बन सके। सही बात है, यहाँ हम थोड़ा सा खेद व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब तक राजनीतिक सपोर्ट और IAS ऑफिसरों की सपोर्ट इसको नहीं मिलती है तब तक कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ें बने अपने से दूर हो जाती है। पर हम उनका इंतज़ार न करते हुए, उनकी सोच को ज़्यादा प्रोत्साहित न करते, हमारी सोच को ज़्यादा मद्देनजर रखते हम उनको कैसे आगे पुश कर सकते, वो सोचना हमारा काम है। क्रिकेट बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ चुका है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ेगा। क्रिकेट में हाथ पैर टूट सकते, इसमें हाथ पैर बच सकते। क्रिकेट में ये होता है कि बैट से बॉल से हानि पहुंच सकती है, इसके अंदर हानि के बजाय सुरक्षा पैदा होती है, हानि के बजाय हम सेल्फ डिफेंस में जाते हैं। तो ये चीज़ भी हम हमारे जैसे लोग भी सरकार को बताएं, NGOs बताएं, समाज सेवक बताएं, आप जैसे मीडिया वाले भी सरकार को बताएं कि इसको प्रोत्साहित कीजिए, तब ये जाके आगे बढ़े।